कि लखनऊ की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय यानी कि SCERT ऑफिस का घेराव करने पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी रही। इनमें कुछ अभ्यर्थी अपने बच्चों को लेकर भी प्रदर्शन करने पहुंचे। बता दें कि एक अंक विवाद के चलते इन अभ्यर्थियों को अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपको बता दूं SCERT कार्यालय पे हूं और आप पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार 51 दिन से कि इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और ये अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे लगातार इनका धरना जारी रहेगा। किस तरीके से मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ SCERT कार्यालय पे? हम किसी तरह की मांग नहीं लेकर आए हैं। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं उसके आदेश का पालन चाहते हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हम लोग के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें और हमें नियुक्ति दें। हम लोगों की कोई मांग नहीं है, हम लोगों का अधिकार चाहिए। धरना कर रहे हैं निदेशालय पे आने का आज हमारा चौथा दिन है। हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास भी अपनी पीड़ा लेके गए थे, निदेशालय में आज चौथी बार आए हैं। बाकी इको गार्डन में हमारा लगातार जो धरना शुरू हुआ था 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 51 दिन हो गए हैं। लेकिन 51 दिन होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है और पिछले 51 दिनों से हम यहाँ पर अधिकार के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए धरना दे रहे हैं। हमारी मांग नहीं क्या कहूँगी मैं, ये हमारा अधिकार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए सर 1 साल होने वाला है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे ऑर्डर का अनुपालन किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। हम इतने ज़्यादा लाचार हो चुके हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर तरीके से हमारा शोषण हो चुका है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे अधिकारों को दे, हमें नियुक्ति दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, नियुक्ति दी जाए। लगातार इन्हीं सब मांगों को लेकर 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो SCERT कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि लगातार 51 दिन के धरने का अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इन चीज़ों को नहीं माना जाता है तो ये धरना लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ MKN न्यूज़ लखनऊ।